हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं यस कंप्यूटर ट्रेवल्स और मैं आज आपको बूटवल के पहाड़ों में भाई घुमाने के लिए लाया हूं। आप मैं यहां पर देखिए कैसे पहाड़ यहां के हैं, यहां के रोड कैसे हैं, यहां के व्यू कैसे हैं, इन सब का नज़ारा आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, मेरा पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। ये इसमें आज हम खूब मस्ती करेंगे और वह हर जगह चलेंगे जहाँ आपको पसंद है। और मैं आपको बता दूं कि यह बूटवल का पहाड़ है और आप देख रहे हैं जिस रूट पर हम चल रहे हैं ये पालपा रूट जाती है। ये रूट सीधे आपको पालपा लेके चली जाएगी और उस बीच में थोड़ा सा हम जो है पहाड़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखिए इस रूट की खासियत, तो रूट बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन जो रूट है इसमें भी अपना अलग का मज़ा है भाई। तो आप मज़ा लेना चाहते हैं तो ये देखिए इस रूट का शानदार नज़ारा। और देखिए बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बहुत रोड काफ़ी चौड़ी तो नहीं है, चौड़ी नहीं है लेकिन यह है कि ये रोड पर चलने का मज़ा ही कुछ अपना अलग है। और रोड के साथ साथ जो ये नदी बह रही है भाई, तो इस नदी का अपना एक अलग आनंद है और हम आज आपको इसी रूट का और इसी नदी पर एक्सप्लोर करेंगे और देखिए क्या मज़ा आ रहा है। और आपको पालपा घूमना है तो आप इसी रोड का यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप सीधा पालपा निकल जाएंगे। और देखिए हम इस समय तो मैं ढूंढ रहा हूँ झूला, हमें कहीं इस रूट पर झूला है और उस झूले पर हम आपको ले चलेंगे और उस झूले के आसपास जितने भी व्यू है हम उन सब व्यू को दिखाएंगे। और देखिए ये रोड है और ये देखिए रोड पर जो रेस भी हो रही है काफ़ी शानदार, लेकिन हमें अभी रेस नहीं करनी है, हमें आपको व्यू दिखानी है क्योंकि व्यू इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर आपको व्यू दिखाने के लिए लाए हैं। तो देखिए ये शानदार नज़ारा ये रोडों का, और देखिए इस पर चलने का अपना अलग मज़ा है। तो इस रूट पर देखिए ये सब मकानें बनी हुई हैं, हालांकि बिल्कुल ये एकदम पहाड़ के बिल्कुल नीचे है। और ये देखिए शानदार नज़ारा, शानदार मोड़, और इस पहाड़ पर चलने का अपना अलग मज़ा है। अच्छा, हमें ऑफ रोड चलना हो तो ये भी सुविधा देखिए हमको यहीं पर मिल जा रही है, क्योंकि ऑफ रोड पर भी चलने का तो अपना अलग मज़ा है भाई। तो ऑफ रोड का मज़ा लीजिए और ऑन रोड का भी मज़ा लीजिए, दोनों इसमें मिक्स है, दोनों का मज़ा लीजिए। और इस रोडों पर देखिए शानदार नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है जो है। तो ये पहाड़ों को देखिए काट काट करके ये रोडें बनाई जा रही हैं, रोडें काफ़ी चौड़ी होगी आने वाले टाइम के लिए, लेकिन उससे पहले ये सुंदर नज़ारा, ये सुंदर मोड़, इस देखिए इस मोड़ के साथ क्या शानदार नज़ारा है। तो ये बड़ी बड़ी पहाड़ें, हालांकि देखिए बूटवल में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भाई, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं। और इसके साथ जो ये व्यू जो आपको नदी है उसका एक अलग अपना अंदाज है। तो कभी कभी यह नदी ऐसी है जो बाढ़ आने पर हमारे वहाँ भी आकर के तबाही मचाती है। तो फिलहाल अभी तो इसमें पानी नहीं है इसमें नदी में, लेकिन आने वाले इस टाइम में पानी आ सकती है। तो ये चूँकि ये जब ये तो सावन का महीना है, और देखिए शानदार नज़ारा। और चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने उस जगह पर जहां हम आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए हम झूले के पास आ गए हैं और अब यहां से देखिए ये शानदार नज़ारा झूले का। अब इस पहाड़ से हम उस पहाड़ पर चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना व्यू उस पाली पहाड़। और देखिए ये रास्ते हैं नीचे उतरने के लिए, बड़ी कठिनाई से उतरा गया है नीचे क्योंकि इसमें रास्ता जाने की अनुमति नहीं है। फिर भी हम आपको इस झूले को दिखाते हैं। अनिश भाई, अरे डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं डर तो नहीं लग रहा है, बस हंसते। अरे भाई हमें तो डर लग रहा है। हाँ देखिए भाई, आप ये झूला है और ये बहुत शानदार झूला है। देखिए झूला में तो हम लोग झूल रहे हैं और देखिए अनिश भाई इसमें खेल रहे हैं कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं। और ये देखिए ये चारों तरफ पूरा देखिए शानदार नज़ारा, आप इसको एंजॉय करिए। देखिए ये पानी देखिए कैसे गिर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये देखिए शानदार नज़ारा। और ये झूले का मज़ा, आइए चलते हैं झूले का मज़ा ले रहे हैं। अरे भाई हमें भी लेते चलिए। कैसा लग रहा है झूला?
कि ये शानदार झूला आपको मैं लाया हूँ इस झूले पर। देखिए ये फुटबॉल क्षेत्र में है और फुटबॉल में आकर के इस झूले का आप नज़ारा ले सकते हैं। तो जब आइए फुटबॉल पे तो यह झूला ये आइए हम आप। भाई मुझे तो झूले में बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए मज़ा भी आ रहा है। ऐसी नहीं है कि डर ही लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए लोग जो देखिए पानियों में नहा कहाँ रहे हैं, किस जगह पर, कितनी दूरी पर, हम वहाँ तक आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है झूला और ये है नदी, ये बहुत शानदार नदी है। देखिए पानी का बहाव बहुत तेज है, इधर देखिए पानी का बहाव काफ़ी तेज है, पानियाँ गिर रही, आवाज़ से तो आपको मालूम हो रहा होगा काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। और झूला भी जो है झूल रहा है, ऐसे यह जो है इस तरह से आसमान में झूल रहा है, देखिए हिल रहा है जो है। तो ये झूलने का भी आनंद अपना ही है। तो आप भी अगर जो इस झूले का आनंद लेना चाहते हैं तो इस झूले पर आइए और आसानी से झूलिए। और देखिए हमारे अनिश भाई तो बैठ के भी झूल रहे हैं, ऐसे झूल रहे हैं जैसे बिल्कुल झलुआ झूल रहे हैं। तो ये देखिए मज़ा, बैठ के मज़ा मिल रहा है। तो ये है झूला, झूला का मज़ा लीजिए और पहाड़ों का नज़ारा देखिए। और ये है आपके पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। तो ये देखिए पहाड़ और ये देखिए, ये तो सो कर लेट करके भी मज़ा ले रहे हैं भाई। ये तो देखिए झूले का तो अपना आनंद ही आनंद है भाई। तो आप भी अगर जो इस झूले पर आना चाहते हैं तो बुटवल क्षेत्र में आइए और सिद्ध बाबा मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर और आगे बढ़िए। 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ने पर आपको ये झूला मिल जाएगा और झूले का मज़ा आप उठा सकते हैं लुप्त और विदाउट शुल्क। यहाँ पर इस झूले पर आने के लिए कोई शुल्क नहीं है, तो इस नाते आप आसानी से आइए और इस झूले का नज़ारा लीजिए। झूले पर देखिए काफ़ी लोग भी हैं और मन तो यही कर रहा है कि हम लोग नहाया भी जाए, लेकिन क्या बताया जाए, नहाने के लिए तो कोई कपड़ा लाया नहीं गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है और देखते हैं कुछ नहाने की व्यवस्था अगर जो होती है तो नहा करके जो उसका भी मज़ा लिया जाएगा। पहाड़ों का व्यू उठाइए, लुत्फ़ उठाइए और ये देखिए। और देखिए अभी हम आए हैं वहाँ से, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको दिखाई दे रही होगी, हम एक बार जूम करके दिखाते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, तो आइए और आगे बढ़ते हैं व्यू के साथ। और हमें तो भाई आनंद आ रहा है, ये शानदार। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे जो है नहाने की व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन उसमें एक समस्या है कि भाई हम लोग कोई कपड़े नहीं लाए और कपड़े नहीं लाए तो नहाएंगे कैसे। तो चलिए वैसे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत और देख लेते हैं क्या है। और ये देखिए रास्ते, इसके थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी से हम लोग उतरते हुए। और देखिए ये है रास्ते, ये है रास्ता भाई। और ये देखिए थोड़ी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये देखिए क्या हुआ भाई। हाँ ये देखिए रास्ते बहुत शानदार है, क्या गजब। और देखिए देखिए गाड़ियाँ जो है दूर वहाँ से, यहाँ से दूर तक दिखाई दे रही है, उधर से रोड है और हमारी गाड़ी वो खड़ी है उधर दिख रही है आपको, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। लेकिन चलिए हम चलते हैं और ये तो इन्जॉय करते हैं थोड़ा बहुत, हम लोग भी थोड़ा सा पानियों का भी लुत्फ़ उठाते हैं। क्या हुआ, थक गया क्या? थक गए? चलिए कोई बात नहीं है ना, ये इन्जॉय करना भाई। और ये देखिए सीढ़ियाँ, क्या गजब की सीढ़ियाँ भाई, एक एक करके उतरना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कितने देर तक उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए सीढ़ी,
काफ़ी लंबी है जी। नहीं है भाई, ये पहाड़ी है, पहाड़ पे काफ़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं और चलना तो पड़ेगा भाई। अच्छा, अगर उतर गए तो फिर चढ़ना भी है। आइए देखते हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ों के रास्ते भाई, इसमें तो उन्हें जी, इसमें स्नेक नहीं आ सकता है क्या? अरे भाई, इसमें तो स्नेक भी होंगे, बहुत देख संभल कर चलना पड़ेगा भाई। चलिए चलते हैं, देखते हैं, जो आएगा देखा जाएगा क्या किया जाएगा। तो भाइयों, आपको बुटवल आना हो तो बुटवल आइए, और बुटवल में आप सिद्ध बाबा मंदिर का दर्शन करिए, और सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने के बाद वहाँ से करीब जो है 3 से 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए, ये देखिए पहाड़। और आगे बढ़ने के बाद आप जो वहाँ से ये झूले का लुत्फ़ उठा सकते हैं, झूला रास्ते में है, आप झूले पर जा सकते हैं। अभी तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, नीचे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। अरे वो लोग किधर से गए? इधर से नहीं गए? आइए चलिए भाई, हम भी लोग चलते हैं। देखिए, बिना रास्ते के रास्ते बना के चल रहे हैं। आइए नहीं भाई, बिना रास्ते के रास्ता बच के आइएगा। ये देखिए, और ये है रास्ता, ये रास्ता है, ये देखिए, ये रास्ता मिला, ये लीजिए, ये रास्ता देखिए, और ये देखिए, देखिए एंजॉय हो रहा है। ये देखिए, चलिए हम लोग भी चलते हैं और एंजॉय तो करेंगे ही आज, चाहे इस पर से भले ही गिरा जाएगा। आइए आइए, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। आइए, ये देखिए भाई, ये लीजिए, ये लीजिए, ये है नया रास्ता, देखिए। अब भाई देखिए, हम लोग झूला पर से अभी आए ना, तो देखिए झूला कहाँ चला गया, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ, और यहाँ आकर के देखिए एंजॉय कर रहे हैं। अब ये आ गए पानी, पानियों में आ गए भाई। रास्ते तो बहुत भीड़ है, रास्ता है नहीं, लेकिन देखिए रास्ता हम लोग बना रहे हैं, सभी लोग बनाए हैं रास्ता, और ये देखिए मज़ा ले रहे हैं। चलिए हम भी एंजॉय कराते हैं आपको, ये लीजिए, अब आ गए हैं, लेकिन बहुत संभल के चलना है, यहाँ पर गिरने में देर नहीं लगेगा। देखिए ये देखिए रास्ता, दोस्तों देखिए ये झरना है, और झरना ना कहिए, ये नदी है। तो इस नदी में देखिए, और हम आपको लास्ट यहाँ तक लाए, एक्सप्लोर किए हैं, और हमारी आज की जो यात्रा है वो बस यहीं तक है। तो यहाँ से अभी हमें आगे नहीं जाना है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक आप आ सकते हैं। बुटवल अगर जो आ रहे हैं तो एक दिन की हॉलीडे में, तो एक दिन की छुट्टी में यहाँ तक आ सकते हैं। आइए यहाँ तक एक्सप्लोर करिए, और इसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में अगले नए स्थान पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।